तो फाइनली टाइगर का मसाज टाइगर का मैसेज यानी टाइगर 3 का टीज़र यूट्यूब पर आ गया है। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा टीज़र तो जाकर के देख लो, टीज़र बहुत ही अच्छा है। तो इस टीज़र में हमें सलमान खान यानी टाइगर कहते हुए दिखता है कि कैसे उनको रॉ ने एक ट्रेटर यानी गद्दार घोषित कर दिया है। एंड वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को यानी जूनियर जो टाइगर का बेटा है उसको ये बताया जाए कि उसका बाप एक देशभक्त था या एक गद्दार था। तो वैसे तो हमें इस टीज़र में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, जो टाइगर का मैसेज वो हमें बताया जाता है, एक था टाइगर एंड टाइगर जिंदा है कि कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, एंड टाइगर 3 के कुछ एक्शन सीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेज में दिखाए गए हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो स्टोरी बेसिकली ये होने वाली है कि टाइगर ऐसे करके एक ट्रेडर बन गया है एंड उसको अपने आप को प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव करेगा एंड कैसे वो अलग अलग जगह पर फंसेगा एंड जो ब्रिज के ऊपर जो एक्शन सीन होने वाला है वो तो आप लोगों को याद रहेगा ज़िंदगी भर, बिकॉज वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। एंड पठान का तो कैमियो है ही इस फिल्म में, जो एक जेल ब्रेक सीन है जहाँ पर पठान आकर के टाइगर को बचाएगा तो वो भी है। एंड आई थिंक उसी के बाद से टाइगर वर्सेस पठान का भी जो प्लॉट पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फिल्म में। एंड रूमर्स है कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स होगा उसमें जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के बारे में भी कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बाकी जैसा हमने पोस्टर में देखा था वैसा ही टीजर में भी लोगों ने बता दिया है कि ये जो है कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान के बाद के जो इंसिडेंट्स होंगे उसके बारे में ये फिल्म बेस्ड होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा स्पाई यूनिवर्स अब पूरे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है पठान के बाद, एंड टाइगर 3 के बाद और भी ज़्यादा लोग आई थिंक स्पाई यूनिवर्स के बारे में जान जाएंगे एंड धीरे धीरे ये अपना अलग ही इंडिया का मार्वल बनाने वाले हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ हो रही है। पर यार मैं वेट कर रहा था कि कब हमारे तीनों स्पाई यानी पठान, टाइगर एंड कबीर एक फिल्म में दिखाई देंगे, बट आई थिंक ये कैमियोज तो बहुत हो गया। बट लेकिन अगर वो तीनों एक्टर्स को एक साथ लेके आते ना यार, लिटरली बता रहा हूँ बॉक्स ऑफिस फट जाता। खैर इस फिल्म में तो आई थिंक ऋतिक रोशन का कैमियो नहीं होने वाला है, सिर्फ शाहरुख खान का ही कैमियो होगा, लेकिन देखते हैं हो सकता है कैमियो हो भी सकता है। वैसे इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा, जिन्होंने इससे पहले शाहरुख खान के साथ वायरफ की फिल्म बनाई थी फैन, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी टू बी ऑनेस्ट। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस फिल्म में बहुत ज़्यादा कमियाँ थी नहीं एंड अच्छी फिल्म थी यार, पता नहीं क्यों फ्लॉप हो गई। तो मनीष शर्मा एज अ डायरेक्टर बहुत ही अच्छा लगते हैं मुझे, लेकिन टाइगर 3 में उन्होंने जिस तरीके से टाइगर को प्रेजेंट किया है, जैसा कि टीज़र को देख करके लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे सलमान खान को टाइगर वाले अवतार में। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड प्लस क्योंकि एक था टाइगर को कबीर खान ने बनाया था, टाइगर जिंदा है को बनाया था लियब्बा जफर ने, एंड टाइगर 3 को डायरेक्ट करने वाले मनीष शर्मा, तो बहुत ही यूनिक आई थिंक होने वाला है टाइगर 3 बाकी के जो फिल्में आई हैं इस फ्रेंचाइज में उनसे। बाकी जो एक्शन सीन्स है उनमें तो यार सलमान खान का अलग ही स्टाइल है एंड अलग ही वो एटीट्यूड, एक स्वैग है, वो तो देख करके मज़ा ही आता है। बाकी इमरान हाशमी के कैरेक्टर के ऊपर अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इमरान हाशमी इस फिल्म में विलन होने वाले हैं, जो कि आप लोग शायद ट्रेलर में देखने को मिल ही जाएगा, बट टीज़र में या अब तक कहीं टाइटल में तो इन लोगों ने ऐसा नहीं बताया है। टीज़र से वैसे हमें ये भी पता चलता है कि इस फिल्म में जो फादर सन का इमोशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि किस तरीके से टाइगर का जो बेटा है यानी जूनियर वो अपने पापा को एक गद्दार समझने लगता है। एंड इसके ऊपर स्टोरी बनाई होगी आदित्य चोपड़ा ने या श्रीधर राघवन ने, जिन्होंने की इस फिल्म की स्टोरी लिखी है, तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। सो ओवरऑल आप लोग टाइगर 3 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।